हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये कंसेप्ट मार्केट की है। मार्केट की फॉर्म होती है ओलिगोपोली, और ओलिगोपोली में किंग डिमांड करो नाम से कंसेप्ट आती है। आप सभी ने पढ़ रखी होगी, शायद ग्रेजुएशन में पढ़ रखी होगी उस चीज को। तो किंग डिमांड करो है, उसके बारे में काफी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में किंग डिमांड करो और प्राइस रिजिडिटी है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, 5-7 मिनट में आपको ये चीज समझ आएगी कि किंग डिमांड करो उसके बीच किंग क्यों आता है और प्राइस है वो रिजिड क्यों रह जाती है। पॉल स्विजी ने किंग डिमांड करो दिया था, इसलिए इसको स्विजी मॉडल भी कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, पॉल स्विजी ने दिया था इसलिए इसको स्विजी मॉडल कहा जाता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो किंग डिमांड करो के पीछे दो चीजें हैं, आप इस चीज को समझिएगा। किंग डिमांड करो जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, किंग डिमांड करो जो बीच में किंग आया हुआ है, ये इस किंग के आने के पीछे रीजन कौन सा है। मैं दो बातें बता रहा हूं आपको और दोनों बातें वो किंग के आने का रीजन है। आप इस किंग के एक तो ऊपर का पार्ट देख रहे हैं ये वाला, और एक ही नीचे का पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा डिमांड करो है। लेकिन इस डिमांड करो में ऊपर का पार्ट ये डिमांड करो है वो अलग इलास्टिसिटी को बताता है, और ये डिमांड करो डिफरेंट इलास्टिसिटी को बताता है। दोनों की इलास्टिसिटी चेंज है। अगर आप इस इलास्टिसिटी को समझ लें तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आप ये देखिएगा, ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये मोर इलास्टिक है, और नीचे वाला पार्ट है ये लेस इलास्टिक है। मैं ये नहीं कहूंगा इलास्टिक नहीं है, दोनों इलास्टिक है। ऊपर वाला वो ज्यादा इलास्टिक है, नीचे वाला पार्ट है वो कम इलास्टिक है। तो जब दो सिचुएशन एक साथ क्रिएट होने की बात आती है, दो सिचुएशन एक साथ क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, तो उस टाइम ये किंक आता है। अब दो सिचुएशन कौन सी, आप उस चीज को समझिएगा, आप इसको प्राइस के साथ रिलेट करिए। दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मैं अपने प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कम करूं, क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को इंक्रीज करना है, और जब मैंने अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना है तो मैं उसकी प्राइस को कम करूंगा। लेकिन जब जैसे मैंने प्राइस कम करने की सोची, एक सिचुएशन यहाँ आती है कि अगर मैं प्राइस कम करता हूँ तो मेरे प्राइस कम करने से जो बाकी सेलर है, क्योंकि बहुत कम सेलर होते हैं मार्केट में, और बाकी सेलर है वो मुझे फॉलो करेंगे। उनको एक बात क्लियर पता है कि जैसे मैंने प्राइस कम किया, प्राइस कम करते ही एक सिचुएशन आ जाएगी कि मेरे प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है वो इंक्रीज जाएगी। और प्राइस कम करने से अगर मेरे प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, तो कस्टमर तो उतना ही है ना, कंज्यूमर तो उतना ही है, वो उनका प्रोडक्ट छोड़कर मेरे प्रोडक्ट की ओर डाइवर्ट होना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मैंने प्राइस कम की, उनके कस्टमर चेंज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वो इसको फॉलो करेंगे और वो लोग भी प्राइस को कम कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने प्राइस कम की उन्होंने भी प्राइस कम कर दी, बाकी प्रोड्यूसर्स है उन्होंने भी, बाकी सेलर्स है उन्होंने भी प्राइस कम कर दी। तो मेरे प्राइस कम करने के कारण उन्होंने भी प्राइस को कम किया, और ये जो प्राइस कम होने से जो इफेक्ट पड़ना था मेरे डिमांड पर, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पर, वो इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है पड़े, लेकिन जो इफेक्ट मैं सोच रहा था कि प्राइस कम करके मेरे प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा दो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसे ही प्राइस कम होता है, याद रखिएगा, जैसे ही प्राइस कम होता है, प्राइस कम होते ही दूसरे उसको फॉलो करते हैं, और फॉलो करने से दूसरी फर्म से वो भी प्राइस कम कर देती है, इसलिए मेरे प्रोडक्ट का जो डिमांड कर्व है उसमें चेंज आएंगे, वो कम चेंज आएंगे। याद रखिएगा, मेरे प्रोडक्ट है उसमें डिमांड कर्व है उसमें चेंज बहुत कम आएगा, यानी डिमांड कर वो लेस इलास्टिक बनेगा, लेस इलास्टिक। तो प्राइस कम होने की सिचुएशन में डिमांड करो में चेंज बहुत कम आएगा, और प्राइस कम होने से लेस इलास्टिक डिमांड करो बनेगा। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं इसकी, कि मैंने प्राइस वो इंक्रीज कर दिया, मैं सोचता हूँ कि चलो मेरा प्रोडक्ट है मैं प्रॉफिट ज्यादा कमाऊं और प्राइस है उसको मैं इंक्रीज कर दूं। अगर मैंने अपने प्राइस प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को इंक्रीज करा, तो दूसरों दूसरे जो फॉलोवर्स हैं, जिनको फॉलोवर्स मानता था अपना, क्योंकि मैंने यहाँ प्राइस कम किया तो उन्होंने प्राइस कम कर दिया था, तो मैं सोचा यहाँ भी मेरे को फॉलो करेंगे कि जब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो वो प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही मैंने प्राइस इंक्रीज किया, दूसरे सेलर है वो ये सोचते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने से इसके प्रोडक्ट की डिमांड तो कम होगी, तो हम क्यों प्राइस को इंक्रीज करें, इसके कस्टमर है इसके कंज्यूमर है वो हमारी ओर डाइवर्ट होना शुरू कर देंगे अगर हमने प्राइस चेंज नहीं किया। तो दूसरे जो सेलर है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे, कौन सी सिचुएशन में, कि जब मैंने प्राइस इंक्रीज किया दूसरे सेलर है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। तो मेरे प्राइस इंक्रीज करने की पॉलिसी को उन्होंने फॉलो नहीं किया,
तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, मेरा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड करो है वो चेंज हो जाएगा, मेरे प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मैं तो प्राइस इंक्रीज की पॉलिसी को फॉलो कर बैठा, और जब मैंने प्राइस इंक्रीज की पॉलिसी को फॉलो किया तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाएगी, मेरे जो कंज्यूमर है कस्टमर है वो दूसरों की ओर डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और इस सिचुएशन में जो डिमांड करो है वो डिमांड करो मोर इलास्टिक। तो मैंने आपको ये बताया कि डिमांड करो लेस इलास्टिक कब होता है, लेस इलास्टिक तब होगा जब प्राइस को कम किया जाएगा, और प्राइस को कम करेगी एक फर्म तो बाकी फर्म उसको फॉलो करना शुरू कर देती है, और जब प्राइस को हमने बढ़ाना शुरू किया तो बाकी फर्म्स ने फॉलो नहीं किया, और मेरे प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी। तो अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो आपके सामने दो डिमांड कर्व आ जाते हैं, पहली सिचुएशन में जो प्राइस मैंने कम किया तो प्राइस कम करने की सिचुएशन में जो डिमांड कर्व आता है वो लेस इलास्टिक आता है, और प्राइस इंक्रीज करने पर जो डिमांड कर्व आता है मोर इलास्टिक आता है। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है ओलिगोपोली में, कि प्राइस कम भी कर रहा है प्राइस ज्यादा भी कर रहा है। तो जब दोनों सिचुएशन को अगर हम एक साथ देखें और एक साथ देख के इसको हम एक डायग्राम बनाए इसका, तो आपके पास ये किंग डिमांड कर्व उसकी शेप ले लेगा। तो दोनों सिचुएशन उसको एक साथ देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम, ये जो हमने बनाया पीछे इसमें ये आप देखिए, तो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि प्राइस अगर कम करते हैं, आप इस चीज को देखिएगा कि अगर प्राइस कम करते हैं तो क्या होगा और प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या होगा। जब मैंने प्राइस कम की दूसरी फर्म्स ने उसको फॉलो किया और मेरे प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आया तो मेरे पास डिमांड करे वो लेस इलास्टिक। लेकिन जब मैंने प्राइस को इंक्रीज किया दूसरों ने फॉलो नहीं किया और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज्यादा चेंज आ जाती है तो डिमांड करो ये बन जाता है, दो डिमांड करो बनते हैं इसके, एक लेस इलास्टिक ये वाला प्राइस कम होने की सिचुएशन में और प्राइस बढ़ने की सिचुएशन में ये मोर इलास्टिक बन जाता है। तो हाफ पार्ट तो इसका लीजिए मोर इलास्टिक का और हाफ पार्ट लेस इलास्टिक का। ये जो करो बनता है आपके पास ये वाला, ये किंग डिमांड करो बनता है। हमने क्या किया, एक मोर इलास्टिक एक लेस इलास्टिक, और हाफ पार्ट तो मोर इलास्टिक का ये वाला और हाफ पार्ट लेस इलास्टिक का ये वाला लिया हमने। तो ये जो बना ये आपके पास है ये डी, ये आपके पास है किंग डिमांड करो बनता है जो ये शेप ले लेता है। तो आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे कि इतना पार्ट है ये क्यों आया और ये पार्ट है क्यों आया, ये सारा प्राइस चेंज करने का इफेक्ट है ओलिगोपोली में। तो एक किंक जो आया बीच में, यहाँ यहाँ प्राइस डिटरमाइन हो जाती है इस प्राइस से। अब इस चीज को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये मान लीजिए ये ओपी प्राइस है, यहाँ ये प्राइस डिटरमाइन है, इस प्राइस से एक प्रोड्यूसर प्राइस को नीचे नहीं करेगा। अगर वो इस प्राइस से प्राइस को नीचे करेगा तो दूसरे लोग भी उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, और दूसरे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे तो इस प्राइस कम करने का जो इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो प्राइस कम करने का इफेक्ट तो पड़ना नहीं है तो प्राइस को क्यों कम करेगा, इससे इस प्राइस से ऊपर नहीं बढ़ाएगा वो। अब इस प्राइस से ऊपर बढ़ाएगा तो बाकी जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, और जो प्राइस को बाकी सेलर्स नहीं बढ़ाएंगे तो इसके प्रोडक्ट उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी और ये मोर इलास्टिक डिमांड कर्व बन जाता है। इसलिए ये ओपी प्राइस ही रिजिड रहती है, इस प्राइस को कोई भी ये सिर्फ एक सेलर है उसकी सिचुएशन को नहीं बताया मैंने, सभी के साथ ऐसा होता है और सारे ही ऐसा करके देखते हैं तो ऐसा ही वो सोचेंगे आगे। तो ये प्राइस है वो रिजिड हो जाएगी, इस प्राइस को चेंज नहीं करना चाहते, और जब इस प्राइस को चेंज नहीं करेंगे तो इस प्राइस रिजिडिटी की सिचुएशन बन जाती है, वो इस प्राइस को चेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ प्राइस रिजिडिटी का आप देख सकते हैं कि प्राइस रिजिड है, कि जो किंग डिमांड करो का सामना करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कीमत बढ़ाई जाए, प्राइस को बढ़ाया जाए या प्राइस को कम किया जाए, तो ना प्राइस बढ़ाने की इंस्पिरेशन मिलती है ना प्राइस कम करने की मिलती है। कम करने पर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है और बढ़ाने पर उनको उसको नुकसान होने वाला है, तो वो क्या करता है प्रेजेंट टाइम में वो अपनी जो प्राइस है उसको वही रखने की सोचता है जो करंट में है उसकी प्राइस को, और वो प्राइस है वो रिजिड बन जाती है। अब प्राइस रिजिडिटी है उसको लेके आप किसी को एक इक्विलिब्रियम में दिखा सकते हैं कि प्राइस है वो रिजिड क्यों रह जाती है, प्राइस चेंज क्यों नहीं होती बार बार, इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो आप इक्विलिब्रियम है उसकी सिचुएशन को भी आप किंग डिमांड कर रहे हैं उसकी हेल्प से दिखा सकते हैं।
यहां आप देखिएगा, किंग डिमांड करो एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ओलिगोपोलिस्ट, तो इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए और किंग डिमांड करो, ये किंग डिमांड करो लिया गया डी के डी, ये किंग डिमांड करो है ये आपके पास, और नीचे आप ये देख रहे हैं ये एम आर करो है, ये वाला ये एम आर करो, और एम आर करो किंग डिमांड करो है उसी के साथ साथ बनाया गया, लेकिन इसके बीच एक पार्ट है, ये पार्ट है, इट इज वर्टिकल ब्रोकन पोर्शन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, वर्टिकल ब्रोकन पोर्शन, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, वर्टिकल ब्रोकन पोर्शन, क्योंकि एम आर कर होता है, एम आर का ये पार्ट है, इसको डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस पोर्शन कहा गया, डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन, यहां लिखा भी है डिसकॉन्टिन्यूस। दोनों इलास्टिसिटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस पोर्शन है, उसी के हिसाब इसकी लंबाई इसकी लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग चलती रहती है, और इक्विलिब्रियम जब करते हैं, इक्विलिब्रियम का तो आपको पता है कि MC is equal to MR, तो यहां पर MC कर्व है वो MR के इस ब्रोकन पोर्शन है इसी से जाता है, इस ब्रोकन पोर्शन से, ये MC कर्व यहां गया तो ब्रोकन पोर्शन से जाता है, और ब्रोकन पोर्शन से जाएगा तो इक्विलिब्रियम के लिए ये तो क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है और प्राइस है वो किंक पर जाती है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, ये ब्रोकन पोर्शन जब आप बनाएंगे तो MR कर्व वो किंक डिमांड कर्व उसके नीचे नीचे आएगा, और जहां पर ये किंक आता है ठीक इसके नीचे आपने ये ब्रोकन पोर्शन डालना है, किंक के नीचे जहां पर ये डिमांड की इलास्टिसिटी चेंज होती है, जहां इलास्टिसिटी चेंज हो वहां पर आपने ये डालना है ब्रोकन पोर्शन है। तो MC MR इक्वल इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे, और प्राइस डिटरमाइन है वो ओपी हो जाता है, प्राइस को चेंज नहीं करते हैं, प्राइस को चेंज नहीं करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ओलिगोपोली प्राइस चेंज होता नहीं है, मोस्टली ये कोशिश रहती है कि प्राइस को चेंज ना किया जाए। इसमें आप एक सिचुएशन और भी देख रहे हैं कि जब पोस्ट करो चेंज हुआ MC से MC1 हुआ तो भी अगर वो ब्रोकन पोर्शन से जाता है तो प्राइस वही रहती है, तो प्राइस रिजिडिटी और इक्विलिब्रियम है उसके पोर्शन को आप उसकी कंसेप्ट को आप इसमें देख सकते हैं, ये चीज आपको इसमें शो की गई है। इसमें जो आपने ब्रोकन पोर्शन देखा और प्राइस चेंज कब हो सकती है कब नहीं हो सकती इस सिचुएशन को भी देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कॉस्ट है उसमें चेंज आता है या डिमांड है उसमें चेंज आता है, तो जब कॉस्ट या डिमांड में चेंज आएगा उस सिचुएशन में प्राइस में चेंज आने की संभावना रहती है। आपको ये भी याद रखना है कॉस्ट में चेंज आए और डिमांड में चेंज आए तो कैसी सिचुएशन होगी, प्राइस में चेंज करेगा या नहीं करेगा। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस चीज को याद रखें कि प्राइस कॉस्ट और डिमांड, कॉस्ट का और डिमांड, तो कॉस्ट और डिमांड है उसमें चेंज अगर आता है तो कॉस्ट और डिमांड में चेंज आने से कौन सा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो कॉस्ट और डिमांड में अगर चेंज आता है, अगर कॉस्ट है वो कम होती है, आप इस चीज को समझिएगा आप ध्यान से, कॉस्ट अगर कम होती है तो कॉस्ट के कम होने से प्राइस है उसके रिजिड रहने की संभावना वो ज्यादा बनती है, प्राइस के चेंज होने की संभावना नहीं बनती है। अब क्यों नहीं बनती है उस चीज को समझो आप, कि अगर कॉस्ट है वो कम हो जाए उस सिचुएशन में प्राइस और रिजिडिटी कैसे रहती है, कॉस्ट कम। अब कॉस्ट कम होने से क्या हुआ, मैं अपनी प्राइस को कम करने की सोचूंगा और मैं अपनी प्राइस को कम करने की सोचूंगा क्योंकि कॉस्ट कम है तो दूसरे इसको फॉलो है वो करेंगे और कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। तो कॉस्ट कम होने की सिचुएशन में प्राइस है वो रिजिड रहने की संभावना ज्यादा रहती है, वो चेंज नहीं करेगा उसको। और अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है, दूसरा पार्ट देखिए, कॉस्ट इंक्रीज होता है तो कॉस्ट इंक्रीज है उसमें प्राइस वो रिजिड नहीं रहेगी, तो प्राइस की रिजिडिटी नहीं आती है, प्राइस रिजिड नहीं रहती है। तो आपने एक एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है कॉस्ट बढ़ने और कॉस्ट कम होने की सिचुएशन में क्या रहेगा। अगर डिमांड कम होती है तो डिमांड कम होने की सिचुएशन में ये ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि प्राइस वो रिजिड रहेगी, लेकिन डिमांड बढ़ती है तो एक प्रोड्यूसर है एक सेलर है ये सोच बैठता है कि मैं प्राइस को इंक्रीज कर देता हूँ दूसरे मेरे को फॉलो कर लेंगे वो भी इंक्रीज कर देंगे। तो अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस है उसके स्थिर रहने की संभावना नहीं है, रिजिडिटी रहने की संभावना नहीं है। तो ये चार सिचुएशन आपको करनी है, कॉस्ट बढ़े, कॉस्ट कम हो, डिमांड कम हो, और कॉस्ट बढ़े और डिमांड बढ़े, तो कॉस्ट इंक्रीज, कॉस्ट डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, इस सिचुएशन को भी आप इसमें देख लीजिएगा। तो ये चेंज हो सकता है प्राइस में चेंज, ये चीज हमने इसको देखी है। बहुत जल्दी से हम इसको कंक्लूजन पर चलते हैं इसके, डिमांड करो उसमें कौन से कमियां रह जाती है, कुछ कमियां आ जाती है, हम इसको संपूर्ण नहीं कह सकते। ओलिगोपोली की बहुत सारी सिचुएशन है, उसको किंग डिमांड करो उसने नहीं उठाया, तो
तो कौन सी सिचुएशन को इसने नहीं उठाया वो चीज आप देखिएगा। एक तो शुरू में ही आप इसको पढ़ सकते हैं इसकी क्रिटिज्म में कि ये इस बारे में कुछ नहीं कहता कि प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है। अब इसने तो सिंपल ये बताया ना कि एक वर्टिकल ब्रेकन पोर्शन होता है उसमें जाता है एमसी और प्राइस डिटरमाइन, लेकिन यहाँ ये नहीं बताता कि प्राइस डिटरमाइन कैसे होगी। इस चीज को कहीं पर भी शो नहीं किया गया। आप विदाउट डायग्राम भी इसको इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक पहली चीज तो आपको ये करनी है कि इसमें प्राइस डिटरमिनेशन है उसके बारे में नहीं बता रखा। प्रेजेंट में प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है, उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, इस बारे में क्लियरली एक्सप्लेनेशन है वो ये नहीं देता। कार्टेल होते हैं, कार्टेल्स है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका नहीं दिखा रखा। मुझे नहीं लगता कि जो ये किंग डिमांड करो है इसका यही सेम इफेक्ट है प्राइस लीडरशिप और कार्टेल है उसमें पढ़ना है, क्योंकि प्राइस लीडरशिप और कार्टेल सिचुएशन है वो ओलिगोपोली में बहुत आती है। और जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है ये आप देख रहे हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट वैदिक पदार्थ है, इन पर भी ये धारणा लागू होती है, ये भी सस्पेक्टिंग है। तो आप ये क्रिटिज्म अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, कल डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको ये बहुत ही शॉर्ट में किंग डिमांड करवा जो ओलिगोपोली की कंसेप्ट है उसको आपको बताया। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी और आप इसकी डिटेल स्टडी के लिए एचएल आहूजा की बुक से देख सकते हैं, एचएल आहूजा की बुक देख लीजिएगा या फिर आप एमएल झिंगन की बुक देख लीजिएगा। और अगर आपको इसका बेसिक पढ़ना है बिल्कुल बेसिक तो आप ग्रेजुएशन की बुक पे जाइएगा, टीआर जैन की बुक पर जा सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और हाई लेवल की स्टडी के लिए आप आहूजा कोट्स यानी और एमएल झिंगन उनकी बुक को देख सकते हैं। एग्जाम टाइम है, किंग डिमांड करो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और खुद भी इस चीज को बहुत अच्छे से करिएगा। थैंक यू वेरी मच, शेयर जरूर करिएगा इसको और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।